दोस्तों अज जी 3 नवंबर के दिन हुई घटनावां जिन्हों का तारीख से चर्चा है तुहाडे नाल जिक्र करांगे। सब तो पहली घटना 3 नवंबर 1688 की है। इस दिन भाई धर्म सिंह का जन्म होया सी। असीं जानते हाँ कि जो खंडे की पौल गुरु साहब ने दित्ती ते पंजां सिंघां ने जिन्हां सिर पेश कीता सी उन्हां विच दया सिंह ते धर्म सिंह जिहड़े हन पहले नंबर ते सन। सो इस धर्म सिंह का जन्म जिहड़ा है भाई संत राम माई सब्बो दे घर हस्तनापुर दिल्ली जिन्हों कहते हैं दिल्ली के नाल इलाका जिहड़ा उहदे विच यानी कि दिल्ली तो 50 किलोमीटर दूर है उन्होंने हस्तनापुर कहते हैं। उंज पुरानी दिल्ली सी। तो यह भाई धर्म सिंह का जन्म जिहड़ा भाई संत राम ते माता सब्बो दे घर 3 नवंबर 1688 के दिन होया सीगा। बचपन में ही चक नानकी जिन्हों बाद आनंदपुर साहब भी कहन लग पे सारे उहदे विच आ गया सी। ते उसने अपने सारी उम्र जिहड़ी है आ के गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बताई सी और उहदी मौत जिहड़ी है 1 अक्तूबर 1708 तों बाद किसी वेले नंदेड़ विच होई है क्योंकि गुरु साहब दे नाल रहा ते नंदेड़ विच ही गुरु साहब दे नाल ही गया ते गुरु साहब दे ज्योति जोत समान मगरों शहीदी मगरों इको जी दिनां च चढ़ाई कर गया। अगली 3 नवंबर से 4 नवंबर की रात की साढ़े को 1753 की खबर है। 3 से 4 नवंबर 1753 की रात को मीर मन्नू सिखा से जुल्म करने वाला जिहड़ा बीबिया के बच्चों से जुल्म करने वाला है उसकी मौत हुई है। आम तौर पर कहा जाता है सिंघा ने उसको मारिया एक एक रिवायत है पर यह गल गलत है। स्टडीए है कि उसके जेडे अपने साथी सीगा वह सेवादार सीगा उसने मस्कीन ये सारी खबर जी दिती हुई है तफसील दिती है। तो असी जानते भी 26 अक्तूबर 1753 के दिन हिंदू दिल्ली में दिवाली मना रहे सन। ये समा मीर मनू के जुल्मों का सिखर सी इस करके सिख भी जेड़े आ इस मौके पर गुरु का चक विच ना जा सके क्योंकि पता सी मीर मनू दी फौजां दे आले दुआले फिरदियां ने पर फिर भी सिख एक अड्डे दुकड्डे गुरु की नगरी आउंदे ही रहिंदे सन। मीर मनू नूं इस गल का पता सी इस करके उसने मलकपुर पिंड च एक पक्की चौकी कायम की हुई सी। ये जगह लाहौर अते गुरु का चक अमृतसर के विचकार लाहौर तो 25 किलोमीटर दूर 7 को दूर है। जब इस चौकी से सिखा दे किसी इलाके विच लुके होन या ठहरे होन की खबर मिलती तो चौकी का इंचार्ज जिहड़ा है ख्वाजा मिर्जा उस वेले उस पासे वल फौज टोड़ देंदा सी और ये फौज जिहड़ी है 80 किलोमीटर तक भी दूर तक मार करदी सी। जे पता लगे भी 80 किलोमीटर से कोई सिख बैठा है तो उसनों भी उहदे पिछे फौज भेज दी जाती सी। तो इस तरह जिहड़े मुहिमां विच गिरफ्तार किए सिखां नूं बेरहमी नाल मार दिता सी ते कईआं मार दिता जांदे कईआं दे सिखां दे सिर विच लक्कड़ दे हथौड़े मार मार के उहनां नूं मार दिता जांदा सी फेर दिता जांदा सी। सो 2 नवंबर 1753 की रात को मीर मनू इस मलकपुर वाली चौंकी में हाजिर से उसको खबर मिली कि सिखा का एक बड़ा जथा लाहौर वालों गुरु का चक वाल जा रहा है अमृतसर वाल जा रहा है तो या फिर वापस मुड़ रहा है तो वह मलकपुर के नेड़े गन्ने के खेत लुकया होया है। जब लुके मीर मनू उस तरफ चल पिया तो गन्ने के खेत में घेरा पा लिया। जब लुके सिंघां नूं पता लग्या कि फौज ने घेरा पा लिया तो उन्होंने भी अंदरों खेतों चो फायरिंग शुरू कर दी और एकदम गोलियां की आवाज़ से मीर मनू का घोड़ा त्रभक पिया तो भज उठा। मीर मनू डिग पिया पर उसका एक पैर जिहड़ा है घोड़े की रकाब में ही फस गया। घोड़ा मीर मनू नूं घसीटदा बड़ी दूर तक निकल गया। मीर मनू बुरी तरह जख्मी हो गया तो इस तरह मनू का इलाज करने की भावें कोशिश की गई पर 3 से 4 नवंबर की रात में मर गया। पर दूजे पासे मस्कीन जिहड़ा मीर मनू का गुलाम ते घरोकी नौकर सी और उसके नाल सारी उम्र उहदे नाल ही रहा है लिखता है कि मीर मनू नूं किसी ने खाने च जहर दे दिता सी। मशकीन लिखता कि 3 नवंबर नूं सिखां दा पिछा करदा मीर मनू लाहौर तो 25 मील दूर पिंड अवान दे किले विच ठहरिया सीगा। उसने उस दिन दा खाना खा के कुछ सुस्ताया ते फिर बाद विच ओह उठ के बाहर निकल गया पखाने वास्ते। पखाने तो मगरों उसने नमाज पढ़ी फिर उसने विलायती साटन दे नील बस्तर हरे रंग के मुसलमानी कपड़े जिहड़े पहने ते घोड़े ते चढ़ के किले तो बाहर आया। इस मौके ते मिर्जा ख्वाजा मिर्जा ने उसनों सिखां दे कुछ कट्टे सिर पेश किए ते इनाम हासिल किए। इस मगरों उसने घोड़े नूं अड्डी मारी ते खेतां च अपने फौजियां वल चला गया। इत्थे ही अचानक उसकी मीर मनू की तबीयत खराब हो गई। हकीमां ने उसनों दवाई दित्ती पर उसकी हालत बिगड़ती गई ते अद्धी रात नूं ओह मर गया। पर असी कहने भी मीर मनू अपनी मौत मरिया सिखां दे हत्थों नहीं मरिया। अकाल पुरख नूं मंजूर नहीं सी कि सिख लखपत राय वांग मीर मनू नूं भी अपने हत्थीं सजा दे सकदे। सो 3-4 नवंबर की रात नूं मीर मनू मर गया ते इस दे नाल ही सिखां उत्ते जुल्म दे उस वेले दे सब तों वध वहशियाना दौर भी खत्म हो गया। मीर मनू ने अपने 5 साल दे 1748 तों 53 तक रहा
अपने याद 30,000 के करीब सिख जड़े ने वह मारे सन। इस तो इलावा बहुत सारे पंजाबी ते सिंघनियां भी कतल की सन, पर इसके बावजूद सिखा की फौज गिनती वधी गई सी। सिख मरदों नहीं सन डरते, सिखे क्या करते सन, मनू साडी दातरी, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों मनू वढ़दा असी दूने चौने होए। तो दो नंबर की गल तो बाद तीन नंबर की घटना जी है मीरबनू की मौत, तीन नंबर की इस तो बाद 53 तो बाद 1834 की भी घटना है कि राजा जींद जिहड़ा संगत सिंह राजा पुत्र फतेह सिंह जिहड़ा है उसकी मौत भी जी 3 नवंबर के दिन हुई थी। 3 नवंबर 1834 के दिन वो मौत हो गई। 12 साल की हुकूमत करने तो बाद 30 जुलाई 1822 के दिन गद्दी से बैठे सी, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं सी। इस करके उसके मरण के पिछों वजीदपुर घराने के सरूप सिंह जींद का राजा बनाया गया। सरूप सिंह जींद का राजा भी जिहड़ा उन्हें तवारीख अपना नाम बनवाया है। फिर साढ़े को 3 नवंबर की घटना 1920 की घटना है कि 3 नवंबर 1920 के दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू बनाउन वास्ते जिहड़ा 15 नवंबर ते 16 नवंबर नू होने वाला इकट्ठ सद्या गया सीगा, उहदे वास्ते 3 नवंबर 1920 के दिन हुक्मनामा जारी किया गया सी। 12 अक्तूबर नू असीं जाणदे कि दरबार साहब दे उत्ते कब्जे तो कुछ दिन मगरों मास्टर मोता सिंह जिहड़े आ बबर लहर वाले, बाद च बबर लहर के मुखी बने आ, उन्होंने अमृतसर आए ने, उन्होंने आके सलाह दी है कि सिख पंथ का एक सरबत खालसा इकट्ठ बुलाया जाए। उस विच गुरद्वारा साहब के इंतजाम वास्ते एक समुचे सारे इलाकों की सारिया तरह की सारे तरह की जी अगों आगुआ की पंथक कमेटी चुनी जाए। तो इसते डॉक्टर गुरबख्श सिंह जिसनों डिप्टी कमिश्नर ने 9 मैंबरी जी कमेटी नामजद की मैंबर बनाया सीगा, सकत्तर अपने आप लिखता सीगा, उसने 3 नवंबर 1920 के दिन सिख कौम के नाँ एक हुक्मनामा जारी किया जिदा सिरडेक सी अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा, तो इस दे नाल उन्हें सरबत खालसा इकट्ठ बुलाने का ऐलान किया। ये हुक्मनामा रोजाना के अकाली अखबार से 4 नवंबर 1920 के दिन छपया सी, ते इसते हेठां गुरबख्श सिंह डॉक्टर ने अपने सेवक अकाल तख्त वजों दस्तखत किए सन। सो सेवक लफज सिकत्तर वास्ते वरत्या जाता सी। हुक्मनामे के लफज हैं सन, समूह खालसा जी प्रति विद्यत होवे कि 1 मगर 1977 संमत नानकशाही 451 मुताबक 15 नवंबर 1920 नूं दिन दे 9 बजे एक महान पंथक इकट्ठ अकाल तख्त सामने होएगा, जिस विच दरबार साहब अमृतसर अते समूह गुरुद्वारिया आदि के इंतजाम वास्ते डूंघी विचार करके एक नुमाइंदा पंथक कमेटी चुनी जाएगी। इस लई सरबत गुरु तख्तां गुरुद्वारिया खालसा जथिया सिख पलटना रियासती सिख फौजा हेठ लिखी धारना वाले सिंह हेठ लिखी व्यूंत मुताबक चुन के भेज दें नुमाइंदे की धारना। नंबर 1 अमृतधारी होवे, नंबर 2 5 बाणियां दा नेमी होवे, नंबर 3 5 ककार दा रहतवान होवे, नंबर 4 अमृत वेले उठण वाला होवे, ते 5 नंबर 'ते दसवंध देने वाला होवे। तो नुमाइंदियां दी चोण दी व्यूंत इस तरह सी कि हर तख्त वालों 5-5 गुरुद्वारियां वालों एक एक खालसा जथियां वालों 100 दी गिनती दे पिछे 5 दे हिसाब नाल, स्कूल तां कालजां वालों 6, प्रबंधक कमेटियां वालों 6, उस्तादा टीचरां वालों 8, विद्यार्थियों विचों 7, सिख रियासतां वालों 5-5, सिख रसालियां फौज वालों विचों फौज चों सिख रसालियां वालों 2-2, ते सिख पलटना कई जिहड़ी पूरी सिख पलटन है उन्हां वालों 2-2, जे पूरी सिख पलटन ही होवे ते 5-5। तो नियंग सिंघां दे जथियां विचों भी 100 दे पिछे 5 दे हिसाब नाल नुमाइंदे भेजे जाण। इस कमेटी का फैसला समूह सिख संगत में सुनाया जाएगा, जिस गुरु घर के सरबत श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। सो सारे प्रेमी कृपा करके दर्शन देन। फिर थोड़े नोट सी ये इस दीवान संबंधी लिखित पढ़ सेवक नाल की जाए। इस इश्तहार जिथे गुरु खालसा टापुआ आदि तक यानी आईलैंड कनेडा अमरीका सिंगापुर थाईलैंड मिसाइल वगैरह पहुँचाने की कोशिश की है। हरेक शामिल होने वाले नुमाइंदे पास अपने जथेदार तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। परार्थक डॉक्टर गुरबख्श सिंह सेवक अकाल तख्त साहब। इस तरह यह अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा जिहड़ा है एक सरकार की बनाई कमेटी के 9 मैंबरी कमेटी के एक मैंबर जिन्हें अपने आप सकत्तर से सेवक के तौर पर जिहड़ा पेश किया उसके वालों जारी किया गया, किसी जड़े जथेदार वालों ने जारी किया गया। सो हालांकि उदों जेकर जथेदार की गल देखनी हो उदो 12 अक्तूबर वाले दिन तेजा सिंह पुच्छर जड़े ने जथेदार बनाए गए सन जिहड़ा अकाल तख्त की सेवा करता है। जे वो असी जथेदार जथेदार का हुक्मनामा जिहड़ा है वह कोई सिद्धांत नहीं है। 3 नवंबर 1982 की घटना है, सवर्ण सिंह जिहड़ा सेंटर च वजीर रहा तो इंदिरा गांधी का जिहड़ा है तो जवाहर लाल नहरू का वफादार रहा है, उसने लफज 3 नवंबर 1982 के दिन कहे भी इंदिरा गांधी बददियानत है, बेईमान है।
ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1982 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਦਿਆਂਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 1987 ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੇਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਵਾਸੀ ਭੀਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਇਸਰੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੇੜੀਆਂ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਵਾਸੀ ਇਸਰੋਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਨਵੰਬਰ 1987 ਦੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਸੜਕ 1990 ਦੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 1990 ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਜੈ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1992 ਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਰੇਵਾਲ ਨੇੜੇ ਰਮਦਾਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਰੂਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਸੀਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਈਨਾਈਡ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।